क्वेश्चन 6 देखो बच्चों। एक सॉलिड स्फीयर बोला है, कहता है रोलिंग मोशन कर रहा, ट्रांसलेशनल एनर्जी KT बोलते हैं अपन, और रोटेशनल को KR बोल रहा है। इस रेशियो को बताना कितना आना चाहिए। तो किसी भी स्फीयर के पास मास m कर लो, रेडियस r कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की हो जाएगी 1/2 mv2। रोलिंग करने की बात जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसके पास ट्रांसलेशन भी होगा और एंगल पे भी चल रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो बच्चों ये दो टर्म्स आते हैं यहाँ पे। मेरे कहने का मतलब है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ट्रांसलेशनल के लिए लिख लो 1/2 mv2, और ये हो जाएगा 1/2 I ω2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है 1/2 mv2 प्लस 1/2 I की जगह आ जाएगा 2/5 mr2, क्योंकि ये सॉलिड लिखा है और ये अपन को आता है। ठीक है, ओमेगा होता है v² / r², इससे कैंसिलेशन में रख लेते हैं। अब यहीं तक रोक दो इसको। पूछा क्या है, ये और ये, तो लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ठीक है, न्यूमरेटर में आएगा टर्म आपके पास 1/2 mv² का, और नीचे मिलेगा 1/2 mv² प्लस, मैंने अभी नहीं किए कैंसिलेशन, आप ध्यान दो क्या किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाफ हाफ और हाफ तीनों के पास है, mv² भी मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे बचेगा 7, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जाएगा।